हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन रजिस्टिविटी एंड रजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर का रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की जो रजिस्टिविटी है उसके बारे में देखते हैं कि मेटल की रजिस्टिविटी क्या इफ़ेक्ट होगी अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं ऑफ मेटैलिक वायर, रजिस्टेंस ऑफ मेटैलिक वायर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटैलिक वायर का रजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड रजिस्टिविटी ऑफ मेटैलिक वायर इंक्रीज, रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है और रजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर मेटैलिक वायर का बढ़ाते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटैलिक वायर डिक्रीज, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है मेटैलिक वायर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो मेटैलिक वायर का रजिस्टेंस बढ़ जाता है और रजिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटैलिक वायर की डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें है कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे रजिस्टेंस, वायर का रजिस्टेंस क्या है, R0 है। मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस वायर का, उस मेटैलिक वायर का रजिस्टेंस क्या है, R0 है। और जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो रजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है, RT है। तो इन दोनों को लेकर एक फार्मूला यहाँ पे बनाया गया है जो कि RT = R0 1+α T। ये एक फार्मूला है जिसमें RT और R0 हम लोग अभी देखे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे रजिस्टेंस ऑफ वायर R0 है, T डिग्री सेल्सियस पे रजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है, RT है। तो इन दोनों को लेकर के यहाँ पर एक फार्मूला बनाया गया है, RT = R0 1+α T, जिसमें अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे इसी फार्मूले को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए क्या लिखेंगे, जैसे ये फार्मूला था RT = R0 1+α T। हम क्या करते हैं, R0 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो RT = R0 प्लस हो जाएगा R0α T। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं RT - R0 = R0α T, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा हो जाएगा RT - R0 RT - R0 / R0T, इतना हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। ये जो है अल्फ़ा, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है α = RT - R0 / R0T। अब मेटल के केस में देखते हैं कि फॉर मेटल के लिए जो है अल्फा की वैल्यू होती है 1/273/ °C। मेटल के लिए तो ये अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पे अगर रख देते हैं, तो देखिए हम लोग रिलेशन ये पढ़े थे RT = R0 1+α T। इसमें अगर हम ये वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू रख दें तो RT = R0 1+α की जगह पे 1/273 और × T, तो ये रख देंगे तो यहाँ से RT = R0 1+T/273। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो देखिए क्या होगा, ये RT = R0
273 हम एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 273 प्लस स्मॉल टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर टी इक्वल टू आर ज़ीरो, और देखिए ये 273 प्लस स्मॉल टी को हम कैपिटल टी लिख सकते हैं, क्योंकि 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जैसे 273 प्लस डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन में होता है कैपिटल टी, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल टी लिखे हैं अपॉन 273। तो यहाँ से इस इक्वेशन से ये दिख रहा है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो किस में है, केल्विन में है, ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है टी डिग्री सेल्सियस का वो 100 पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटालिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था, इसके बाद हम लोगों को इसमें देखना है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, सेकेंड जो है, सेकेंड है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, तो इसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो है स्टार्ट करते हैं, तो देखिए क्या है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीज, एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय जो है मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जैसे कि दो या तीन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है उसको बोलते हैं एलॉय। तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीज, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एलॉय, बट कंपेयर टू मेटल, अगर हम मेटल से कंपेयर करेंगे तो दिस इंक्रीजमेंट इज लेस। तो ये इंक्रीजमेंट जो है मेटल के कंपेरिजन में कम इंक्रीजमेंट होता है। एग्जाम्पल है एलॉय का, जैसे मैंगनीन है और कॉन्स्टेंटन है और नाइक्रोम है, ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम। तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगी, लेकिन मेटल के कंपेरिजन में कम इंक्रीज होगी। इसके बाद जो है थर्ड हमको देखना है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, थर्ड है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज, इस यहाँ पे इंक्रीजमेंट नहीं होता है, यहाँ डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज, और यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल में जैसे कि दिया गया है सेमीकंडक्टर, एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। इसके बाद फोर्थ देखना है, फोर्थ नंबर जो है रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो इसमें भी क्या होता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोथ डिक्रीज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की दोनों क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी, एक टर्म है इसको देखना है कि ये क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी।
तो सुपर कंडक्टिविटी देखिए क्या होता है कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे कोई कंडक्टर है उसका हम अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, बट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर रेजिस्टिविटी सडनली डिक्रीज। जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, सडनली डिक्रीज हो जाती है एंड बिकम जीरो, और तुरंत जो है क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इस फिनामिना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। दिस फिनामिना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। मतलब यह है कि जैसे कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है और उसका हम टेम्परेचर जो है कम कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर रेजिस्टिविटी सडनली डिक्रीज हो जाएगी और जीरो हो जाती है। उस तो इस फिनामिना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए आगे लिखा है कि द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी सडनली बिकम जीरो इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जो है सडनली जीरो हो जाती है उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अब ये सुपर कंडक्टिविटी होता कब है, तो देखिए सुपर कंडक्टिविटी अकर्स एट टेम्परेचर 10 केल्विन टू 0.01 केल्विन, 10 केल्विन से 0.01 केल्विन के बीच में सुपर कंडक्टिविटी जो है होती है। एग्जांपल जैसे कि दिया गया है, देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे कॉपर है सिल्वर है गोल्ड है, लिथियम है और सोडियम है। ये कुछ एग्जांपल है जिसमें सुपर कंडक्टिविटी जो है होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।